गंभीर एलिगेशन लगा रहे हैं गौरव भाटिया, किस तरीके से अपने आप को खुद को भारत रत्न देना, अपनी पार्टी को एक ही परिवार को बढ़ावा देना, कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो गांधी परिवार में तो वो अध्यक्ष ही बनेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? सुमित जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में बोला था तो मैंने किसी भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया था मोदी जी के लिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब इस व्यक्ति ने बोला तो इन्होंने मेरे नेता को 51 साल का अपरिपक्व बालक बताया, जिसको आपने नहीं टोका। तो अब मैं आशा करती हूं कि जब मैं मोदी जी को या तो मैं झांसा राम या फेकू या उनके फेंकने पर चर्चा करूंगी तो आप में से किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाषा की मर्यादा बनाना सिर्फ मेरा काम नहीं, भाजपा का भी काम है। और अगर मेरे नेता को कुछ कहोगे तो फेकू और झांसा राम के बारे में भी सुनोगे, जो 3 दिन से फेंक रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये कुछ कोविड के बारे में बात कर रहे थे, मोदी जी ने भी अपने इस इंटरव्यू में कोविड के बारे में बात करी, फिर आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। इतनी हंसी आई मुझे पढ़कर और सुनकर वो इंटरव्यू। वो कहते हैं कोविड जो है वो बहुरूपिया है, बोल बदल के आता रहता है, रूप बदल के। अरे साहब, तो मास्क काहे नहीं लगाते हैं? क्योंकि फोटो खराब हो जाएगी, कोई पहचान नहीं पाएगा, तो सारी दुनिया मास्क लगाएगी फोटो में। मोदी जी बिना मास्क के आते हैं, ये कोविड पर प्रचार कर रहे हैं। कोविड पर आप बोलने के हकदार नहीं है, क्योंकि जब सैकड़ों लाखों लोग इस देश के चिलचिलाती धूप में पैर फटके छाले पड़ के पैदल चल रहे थे तो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था एक आदमी पैदल नहीं है, एक श्रमिक मजदूर पैदल नहीं है। आपकी हिम्मत है बात करने की कोविड पर? जब कोविड आया था तो आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, आपने पार्लियामेंट का सेशन किराया गिरी हुई मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए। कोविड पर मुंह मत खोलिएगा आप। अब आते हैं आपका जो शब्द है उस पर, राहुल गांधी ने क्या बातें करी पार्लियामेंट में, और ये मेरा कहना नहीं है, ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। उन्होंने इनकम इनइक्वालिटी पे बोला, अमीरों और गरीबों की बढ़ती हुई खाई पर बोला, उन्होंने बेरोजगारी पर बोला, उन्होंने महंगाई पर बोला, उन्होंने इकोनॉमी पे बोला, उन्होंने किसानों पे बोला। इन्होंने क्या बोला? नेहरू कांग्रेस, कांग्रेस राहुल गांधी। अच्छी बात है, ये खौफ अच्छा है, ये डर अच्छा है, लेकिन इस देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस देश ने चुना आपको इसलिए कि आप रोजगार बनाइए। आपने क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार बनाऊंगा। अब आप क्या कह रहे हैं? 60 लाख बनाऊंगा 5 सालों में। तो 2 करोड़ से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटके 12 लाख बनाएंगे, अब आकर कह रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।